आज 129 अफथाल एक्सप्रेस के साथ लोकोमोटिव HBU 2080-79 आ रहा है और रात 130 अफथाल एक्सप्रेस जो है वो सनावा स्टेशन की लूप लाइन पे आई थी, यानी गुड्स ट्रेन जो है वो एक मेन लाइन पर खड़ी थी, इस वजह से फिर 130 को जो है ना लूप लाइन से लिया गया था। तो लूप लाइन से निकलते निकलते ट्रेन जब फाटक तक पहुंची है तो मेरे ख्याल में सीधी हुई होगी, यानी कि मेन लाइन पर इंटर हुई होगी सारी ट्रेन। तो ड्राइवर नॉच लगाए हैं रात, तो इंजन में से जो है आग निकल रही थी सारी, इतना 80-79 ने रात जो है धुआं छोड़ा है इधर लेवल क्रॉसिंग पर। उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो ऐसे अंबार निकल रहे थे धुएं के, और धुएं के साथ जो है आग जैसे होती है वो निकल रही थी, इतना ज़्यादा 80-79 ने रात धुआं छोड़ा है। तो कल जो ट्रेन यानी कि जिसकी पावर सनावा में काटी गई थी 5209 जो कि 127 आपके रिलीफ के लिए गई थी, तो उसके रिलीफ के लिए पहले 127 के रिलीफ के लिए मेरा फेवरेट इंजन 8040 जो है उसको चलाया गया था कुंदिया से कल 7:55 पर। कल रात जो डिपार्चर हुआ है 8040 डाउन लाइट इंजन, डाउन रिलीफ इंजन का फार 127 अप, क्योंकि 127 अप के साथ 5209 लगाया गया था और 52 वाली पावर जो है वो बैन है, यानी पूरे पाकिस्तान में 52 वाली पावर जो है ये बैन है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन को के साथ वर्किंग नहीं कर सकती। तकरीबन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जब से भी रेल फेयरिंग कर रहा हूँ 5 साल से 6 साल से, तो मैंने आज तक 52 वाली पावर को एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग करते हुए नहीं देखा अपने होते हुए, यानी मैंने जब से होश संभाला रेल फेयरिंग की है तो मैंने अपने होते हुए 52 वाली पावर को एक्सप्रेस ट्रेन वर्किंग करते हुए नहीं देखा। तो कल भी इसी वजह से फिर जो है रिलीफ पावर जो है तकरीबन 7:15 कोटा तक पहुँच गई थी, लेकिन 127 जो है वो चली है 9:15। हालांकि रिलीफ पावर के पहुंचने के बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद ट्रेन का डिपार्चर हो जाता है, लेकिन हेडक्वार्टर की तरफ से यही नोटिफिकेशन आया है, यानी उन्होंने बोला है कि 52 वाली पावर को अभी ना लगाएं 127 के साथ। 8050 जो 129 127 की पावर फेल थी उसी को ही रीस्टार्ट करने की कोशिश करें। तो 52 वाली पावर ने सिर्फ यही किया है कि कोटा दूर सनामा के दरमियान ब्लॉक सेक्शन जो था, तो इसी वजह से फिर 127 को पीछे से धक्का लगाया है, कोटा दूर स्टेशन तक ले गए हैं। उसके बाद पावर फिर काट ली गई थी 5209 और 8050 को बनाने की कोशिश की गई है कि अगर ये नहीं बनेगा तो फिर इमरजेंसी के तौर पर 5209 लगाया जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो इसी वजह से फिर 5209 जो है तकरीबन 2 घंटे कोटा दूर में ठहरा रहा है कि 8050 अगर नहीं बनेगा तो फिर लगेगा, लेकिन ड्राइवरों ने अनथक कोशिशें की हैं और 8050 को फिर रीस्टार्ट कर लिया गया था। असल जब किसी इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हाई होने के बाद एक रेंज होती है, यानी 49 वाली पावर की रेंज होती है कि ये अगर 95 डिग्री से ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाएगा तो इंजन जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब 80 वाली पावर का मेरे ख्याल में 100 से तो ऊपर होगा ना, कि 100 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो इंजन ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। तो कल मेरे ख्याल में इसका टेम्परेचर जो है वो हाई था, तो पहले महमूदकोट में हाई हुआ है तो उधर इसमें पानी वगैरह डाला गया, फिर ये थोड़ा सा कून में आया, फिर आगे जाकर कोटा दूर सनावा ब्लॉक सेक्शन में जो है पावर फेल हो गई 8050। उस वक्त भी इसका यही मसला था कि इसका टेम्परेचर जो है वो फुल हाई हो गया है, तो इंजन को ठंडा होते होते जो है 3 घंटे लग गए, यानी 6:15 127 जो है कल कोटा दूर पहुँची और 9:15 ट्रेन का डिपार्चर हुआ, 3 घंटे इंजन ने जो है ना बनने में लगा दिए, यानी बन नहीं रहा था, टेम्परेचर हाई था ना, तो इसमें पानी वगैरह डाला गया। उसके बाद फिर 8050 जो है ठंडा हुआ है और स्टार्ट हुआ है और 52 वाली पावर को अगेन जो है वर्किंग नहीं मिली एक्सप्रेस ट्रेन की, यानी वैसे तो इमरजेंसी के तौर पर ये गया है कि अगर 8050 नहीं बनेगा तो 52 वाली पावर जो है लगेगी 127 को, लेकिन हेडक्वार्टर से जो ऑफिसर है उनको पता था कि 52 वाली पावर जो है ये तकरीबन 10 साल से बैन है, यानी इस पर लगी हुई है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन लीड नहीं कर सकते, तो आप कैसे करेंगे। तो इसी वजह से फिर 8050 को ही रीस्टार्ट किए गए और आखिरकार उनकी कोशिशें जो है रंग लाई हैं और 5209 जो है अगेन फिर वर्किंग पे नहीं आ सका, यानी 5209 जो है वो अपनी मुतलका ट्रेन ले गया था सनामा से फिर वापस 130 डाउन के पीछे, उसका कोटा दूसरा डिपार्चर हुआ 10:15 गुड्स ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया था सनामा से जो 49:13 के साथ 5209 इधर छोड़ गया था। तो 5209 का आगे फिर क्या हाल हुआ है, कोटा सनामा से चला है 10:15, 11 बजे देहरादून पना पहुँचा है, देहरादून पना यानी सनामा कोटा दू फिर अगला स्टेशन देहरादून पना इंजन जो है शट डाउन हो गया, ये है 52 वाली पावरों का हाल। तो अगर ये 127 को लगता तो साफ ज़ाहिर है 127 की दूसरी दफ़ा पावर फेल हो जाती, यानी 52 रिलीफ इंजन था, रिलीफ इंजन ही जब 127 को तो वैसे रिलीफ नहीं कर सका, फिर अपनी ट्रेन को खींचने आया जो सनामा में छोड़ के गया था 127 को रिलीफ देने के लिए,
तो जब वापसी है वो दो स्टेशन चला है, फिर शट डाउन हो गया। अभी सुबह उसका डिपार्चर हुआ है देहरादून पना से, यानी रात 11 बजे फेल हुई थी पावर 5209, शट डाउन ट्रबल थी उसकी कोई। तो सुबह 7 बजे डिपार्चर हुआ है, यानी 7-8 घंटे ट्रेन जो है देहरादून पना में ठहरी, 5209 फिर नहीं बन रहा था। तो ये है पाकिस्तान रेलवे के लोकोमोटिव्स का हाल। तो 129 अफथल एक्सप्रेस भी अब सामने उसकी लाइट्स विजिबल हैं, 80-79 के साथ देखते हैं 129 आज किलोमीटर नंबर 55/5 से। 129 अफथल एक्सप्रेस अब सनामा अप्रोच कर रही है, तो 80-79 के साथ आज 129 देखेंगे इस जगह से पास होते हुए किलोमीटर नंबर 55/5 से। और सामने 127 के लिए, 129 के लिए मेन लाइन का सिग्नल जो है वो डाउन है, क्योंकि ये प्लेटफार्म लाइन पर जानी है ना, तो अगर लूप लाइन पे जानी होती तो ये दरमियान वाला सिग्नल डाउन होता। इस तरह रात 1:30 डाउन लूप लाइन पे से पास हुई है। ट्रैकर ऐप के मुताबिक इस टाइम ट्रेन की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, यानी काशन स्पीड के मुताबिक आ रही है ट्रेन।